फ्रेंड्स, आई एम वैशाली की स्टेडियंस ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश से जुड़ी जितनी भी नई नई वीडियो है आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमने आप लास्ट वीडियो में सीखा था सेल्फ इंट्रो, अपना सेल्फ इंट्रो कैसे देते हैं, और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे फ्रेंड इंट्रो। लास्ट वीडियो सेल्फ इंट्रो थी और आज की जो वीडियो है वो है फ्रेंड इंट्रो। फ्रेंड इंट्रो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप फ्रेंड इंट्रो देंगे कहाँ पर, कहाँ आपको जरूरत पड़ेगी कि फ्रेंड इंट्रो देना कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही बता देते हैं। सपोज दैट आप कोई थ्री फ्रेंड्स हैं। ओके, कितने फ्रेंड्स हैं? थ्री फ्रेंड्स हैं। इधर देखिएगा, आप कोई थ्री फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों फ्रेंड है। आप देखिए, फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाले का बेस्ट फ्रेंड है, ये बिल्कुल इसको अच्छे से जानता है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले को भी बहुत अच्छे से जानता है, बट जो सेकंड वाला फ्रेंड है ये थर्ड वाले को नहीं जानता है। ठीक है, सेकंड फ्रेंड थर्ड वाले फ्रेंड को नहीं जानता है। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट वाला जो फ्रेंड है वो सेकंड फ्रेंड को लेके थर्ड वाले के घर जा रहा है। ठीक है, अब ये थर्ड वाला जो है ये फर्स्ट वाले से पूछ रहा है, भैया आपका ये फ्रेंड है ये कौन है? तब आप अपने फ्रेंड जो सेकंड वाला फ्रेंड है उसका इंट्रो थर्ड पर्सन को देंगे। ये जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है अपने जो फ्रेंड है इसका सेकंड वाला उसका इंट्रो ये थर्ड वाला जो फ्रेंड है उसको देगा। ठीक है, तो कैसे देंगे? देखिए, इसमें सेकंड पर्सन का इंट्रो देना है हमें किसी थर्ड पर्सन के लिए। ठीक, सेकंड पर्सन कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ उसकी तरफ आपको पॉइंट करना है और फर्स्ट वाले पर्सन ही थर्ड वाले को उसका इंट्रो देगा। देखिएगा कैसे। जी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड स्वाति। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड स्वाति। हाँ, अपने फ्रेंड का नेम यही बता रही है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि हिज नेम या हर नेम करके नहीं बोलना है, डायरेक्टली बोलेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड स्वाति। मैं अपनी फ्रेंड स्वाति का इंट्रो देना पसंद करूंगा या करूंगी। ओके, कैसे बोलेंगे फिर से रिपीट करें। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड स्वाति। ठीक, आप डायरेक्टली बताएंगे स्वाति वुड यू प्लीज स्टैंड अप, जहां पर वो अच्छा है आपका फ्रेंड उसको स्टैंड अप करेंगे तभी तो पता चलेगी हाँ भाई ये स्वाति है। कैसे बोलेंगे? स्वाति वुड यू प्लीज स्टैंड अप। ओके, उनकी तरफ आपको पॉइंट करना है, शी इज स्ट्रॉन्ग। वे कहां से है? शी इज स्ट्रॉन्ग आगरा। शी इज स्ट्रॉन्ग आगरा, ये आगरा से। अब आगरा नेम नहीं बताएंगे, नेम तो आपने ऑलरेडी यहाँ बता दिया और फिर नेम से आपने बोलकर उसको स्टैंड अप कर लिया, तो नेम तो समझ आ गया नहीं होगा। तो आप बोलेंगे शी इज फ्रॉम आगरा, ये आगरा से है। क्या बोले? शी लिव्स इन। अब देखिए, कोई बड़ी जगह है तो आप इन लगाकर बोलेंगे और छोटी जगह है तो एट लगाकर बोलेंगे। जैसे आप मोहल्ला बता रहे हैं या कोई छोटा टाउन बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, तो आप एट करके बोलेंगे। ओके, तो वैसे बोले सी स्ट्रॉन्ग आगरा, सी लिव्स इन आगरा। ओके, आप देखिए उसकी एजुकेशन के बारे में बताना है आपको। सी हैज डन, सी हैज डन, उसने पढ़ाई में क्या कर लिया है? सपोज दैट 11th कर लिया है, सी हैज डन 11th, सी हैज डन, जो भी आप उसने कोर्स कर लिया है, क्लास कर लिया, उसने जो भी स्टैंडर्ड अपना कंप्लीट करा है, आप यहाँ पर वो ऐड करेंगे सी हैज डन 12th या सी हैज डन ग्रेजुएशन। ओके, अब इसने ग्रेजुएशन कर लिया तो वो कुछ कर भी नहीं होंगे अपनी स्टडी में। शी इज परसुइंग, क्या बोलेंगे? शी इज परसुइंग। सपोज दैट उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही है। शी इज परसुइंग इंग्लिश स्पीकिंग फ्रॉम, कहां से सीख रही है भाई? इंस्टीट्यूट का नेम बोल दीजिए। शी इज परसुइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम न्यू अर्बन कंप्यूटर। ओके, न्यू अर्बन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम बोला है, जहां से भी वो कर रही होंगी, जो भी कोर्स वो कर रहा है ये कर रही है, उसका इंस्टीट्यूट का नेम करके आप बोलेंगे सी इज परसुइंग करके। फिर से समझिए एक बार, जो उसने कर लिया है सी हैज डन, और जो कर रही है सी इज परसुइंग। ठीक है, अभी वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को क्यों कर रही है? उनका कुछ तो एम होगा, कुछ तो लक्ष्य होगा जो ये कर रही है, उसके लिए बताएंगे आप सी इज डूइंग दिस कोर्स। दिस कोर्स मतलब स्पीकिंग कोर्स। सी इज डूइंग दिस कोर्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डेवलप हर पर्सनैलिटी। यहाँ आपको ध्यान रखना है, वॉन्ट्स बोलना है। शी वॉन्ट्स टू बिकॉज सी सिंगल, सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए आप यहाँ पर एस का यूज करेंगे। सी इज डूइंग दिस कोर्स बिकॉज सी वॉन्ट्स टू डेवलप हर पर्सनैलिटी। हिंदी में समझिएगा, सी डूइंग दिस कोर्स
कोर्स, वह ये कोर्स कर रही है बिकॉज क्योंकि शी वॉन्ट्स टू डेवलप हर पर्सनैलिटी, क्योंकि वो अपना व्यक्तित्व विकसित करना चाहती है। क्या फिर आप ये बोल दीजिए, शी वॉन्ट्स टू गेट अ गुड जॉब, शी वॉन्ट्स टू गेट अ गुड जॉब, ये बोल दीजिए। शी इज डूइंग दिस कोर्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गेट अ गुड जॉब, या ये बोल दीजिए कि वो बेहतर इंग्लिश सीखना चाहती है, बेहतर इंग्लिश बोलना चाहती है। She is doing this course because she wants to speak fluently. She wants to speak fluently. ये बोल दीजिएगा। ओके, या फिर बोलिए डेवलप हर पर्सनैलिटी। आपके पास थ्री ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं आप। इसके बाद आप बताइए वो बनना क्या चाहती है। She wants to be a good teacher. वो एक अच्छी इंग्लिश टीचर बनना चाहती है, मैथ टीचर बनना चाहती है, जो भी वो बनना चाहती है आप वो ऐड कर देंगे। शी वॉन्ट्स टू बी अ गुड टीचर, शी वॉन्ट्स टू बी अ डांसर, शी वॉन्ट्स टू बी अ पायलट, शी वॉन्ट्स टू बी अ इंजीनियर, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, सॉरी अ डॉक्टर। ओके, जो भी वो बनना चाह रहे हो आप यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। एक बार समझिए, शी वॉन्ट्स टू बी अ, इसके बाद आपको चॉइस में जो भी वो बनना चाहते हैं आप यहाँ पर वो ऐड करेंगे। ओके, यहाँ मैंने गुड टीचर बोल दिया, आपका फ्रेंड जो बनना चाहता है आप वो ऐड करना है यहाँ पर। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड स्वाति, मैंने अपना स्वाति नेम लिखा है। अब यहाँ पर आप कुछ भी नेम ऐड कर सकते हैं, अपना फ्रेंड का नेम, सपोज ये फ्रेंड है कोई बॉय है तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड, नेम ऐड कर दीजिए एंड उसका नेम लेकर बोलेंगे वुड यू प्लीज स्टैंड अप या सी की जगह ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे, he is strong, he has done, he is pursuing and he is doing his course because he, यहाँ पर she की जगह बोलेंगे आप he wants to develop her कार, क्या बोलेंगे his, develop his personality, ठीक है। क्या बोले, he wants to get a good job, he wants to speak fluently, यहाँ बोलेंगे she wants, he wants to be a, यहाँ she की जगह क्या बोलेंगे he wants to be a good teacher, okay, that's it. Last में आप बोल देंगे that's it, जब आपका यहाँ इंट्रो पूरा हो जाएगा that's it। आपको इस इंट्रो में अपने फ्रेंड की होबीज बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही बोले साफ हो जाएगा that's it। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। Thanks for watching my channel. Thank you very much.